जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए, उन्होंने तैयारी की थी विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की, और बांग्लादेशी गेंदबाजों ने इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर दिया। रोहित शर्मा को 6 रन पर और विराट कोहली को भी 6 रन पर और शुभमन गिल को 0 पर भेज दिया पवेलियन। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के रूप में आ गए रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, और इन दोनों ने मिलकर बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की अदब से। बता दें, जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हुई तो पहले 2 सेशन बांग्लादेश के नाम रहे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने अपने पहले 3 विकेट मात्र 34 रनों पर खो दिए थे। शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा के रूप में ये तीनों पवेलियन जा चुके थे। यहां से भारतीय टीम की पारी को यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने संभाला और इन दोनों ने मिलकर 4th विकेट के लिए 99 रनों की शानदार भागीदारी निभाई 62 रनों की। लेकिन इन दोनों में से एक बल्लेबाज आउट हो गया और वो थे ऋषभ पंत, जिन्होंने 39 रनों की पारी खेली और यहां से भारत को मात्र 96 रनों पर 4th झटका लग गया। फिर क्या था, भारत की पारी को यहां से जैसे तैसे करके यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने संभाला, लेकिन ये दोनों भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और जब भारत का स्कोर 144 रन हुआ तब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ने अपना विकेट गंवा दिया। बता दें, इस दौरान केएल राहुल ने 52 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन बनाए थे, वहीं यशस्वी जायसवाल ने 118 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 56 रनों की पारी खेली 9 चौकों की मदद से। जब 144 रनों पर भारत के 6 विकेट हो गए तो सभी फैंस ने ये उम्मीद कर ली थी कि अब भारत 200 के नीचे ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन यहां से फैंस और बांग्लादेशी गेंदबाजों को क्या पता था कि उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ही आ जाएगा, जिसे वो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। बता दें, जब पहला टेस्ट शुरू हुआ तो पहले 2 सेशन पहले टेस्ट के बांग्लादेशी गेंदबाजों के नाम थे। भारतीय बल्लेबाजों के नाक में दम कर रखा था, बांग्लादेशी गेंदबाजों ने रन ही नहीं बनाने दे रहे थे और 6 विकेट भी ले लिए थे 2 सेशन में। लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों की ये दादागिरी ज्यादा देर तक और नहीं टिक पाई और तीसरा सेशन जैसे ही शुरू हुआ तो यहां से शिकंजा कसना शुरू कर दिया रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने और अपने बल्ले का जादू दिखाना शुरू कर दिया। बता दें, एक ओर से रविचंद्रन अश्विन बांग्लादेशी गेंदबाजों को चौके छक्के के लिए भेज रहे थे तो दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा बांग्लादेशी गेंदबाजों के चौके छक्के के लिए भेज रहे थे। आनन-फानन में अब बांग्लादेशी गेंदबाजों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अश्विन और जडेजा का विकेट कैसे लिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रन बना रहे थे इनके खिलाफ। बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए काल बनकर आए रविचंद्रन अश्विन ने तो शतक ही लगा दिया और रविंद्र जडेजा ने शानदार अर्धशतक। बता दें, रविचंद्रन अश्विन ने 112 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 102 रनों की पारी खेली 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से। वहीं रविंद्र जडेजा ने 117 गेंदों का सामना करते हुए 86 रन बनाए 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से। इस तरह से बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए। अभी ये दोनों बल्लेबाज नाबाद हैं और दूसरे दिन खेलने आएंगे बांग्लादेश के खिलाफ, तो देखते हैं क्या कोहराम मचाते हैं।